पुलिस वाले, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं रोकेंगे नहीं रोकेंगे, देखते हैं अभी। कुछ व्हीकल्स रोक रखे हैं इन्होंने, ये ट्रक रोके हुए, शायद टू व्हीलर्स वालों को नहीं रोक रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था, अप्रॉक्स 2 महीने होने वाले हैं बाइक नहीं चलाई थी, ज़्यादा टाइम बाइक खड़ी है ना, दिक्कत है। सोच रहे थे कि नहीं चलाएं नहीं चलाएं, लॉकडाउन अभी खुला नहीं है पर थोड़ी छूट है, और जिसके अंदर हमने अपनी बाइक को बाहर निकाला है, दोनों बाइकें निकाली है, मेरे पास ड्यूक है, हनी के पास बुलेट है। तो अभी हम जा रहे हैं महल रोड तक छोटा सा राउंड काटने के लिए, जिससे जो बाइक है इंजन का जो ऑयल है वो प्रॉपर रोटेट हो जाए और टॉप गियर में चल के एक बार स्मूथ चलने लग जाए। जो इस पर हल्की हल्की सी रस्टिंग आनी शुरू हो रही थी, बस क्या इसका चैन ल्यूब भी नहीं है और अभी चैन ल्यूब मिल भी नहीं रहा है, तो उससे बेटर है इसको मूव कर लिया जाए। हमने क्या किया, दोनों बाइक आज निकाल ली और मौसम भी अच्छा था, छोटी सी गेड़ी पर जाएगी महल रोड की तरफ में और अपनी बाइकों का अपने नंबर लग जाएगा। दिनू भाई गुड इवनिंग, बाय बाय। गाड़ी खड़ी है दिनू भाई, गाड़ी वो खड़ी फॉर्चुनर 7 नंबर चलाए थे, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आई थिंक पुलिस वाले रोक रहे हैं, नहीं देखते हैं अभी, वो पड़ेगा ना। हाँ तो हम बाइक इसलिए लेकर आए हैं ताकि टायरों की हवा रोटेट होती है, बाइक में कोई नुकसान ना हो, बैटरी डिस्चार्ज ना हो, इंजन का जो ऑयल है वो प्रॉपर रोटेट हो जाए, गाढ़ा नहीं हो, जितना पतला रहेगा उतना ठीक रहेगा। और अगर हम बाइक यूज़ नहीं करेंगे तो उसका जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे बाद में बाइक के इंजन में साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, चैन पे हल करके जंग शुरू हो जाती है लगनी, इसलिए बाइक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो घर के नज़दीक में महल रोड है, सोचते चल यहाँ पर चलते हैं, ग्राउंड मार के आते हैं, करीब करीब 10 या 12 किलोमीटर ग्राउंड होगा मार रही है। इतना खाली खाली फील हो रहा है, इतना खाली जयपुर कभी देखा ही नहीं आज तक यार। अक्षय पात्र के सामने से एकदम स्ट्रेट रोड जा रही है जो जाती है सामने गुनेर की तरफ, और गुनेर उस टी पॉइंट से राइट जाना पड़ता है और लेफ्ट जाती है आगरा रोड की तरफ। यहाँ पर हमारी ऑडिटर एनक्लेव वाली कॉलोनी ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से जाके लेफ्ट टर्न करके ये जो कॉलोनी है जस्ट बैक साइड के अंदर जो काम चल रहा था प्लॉट्स का सब रुक गया, बाउंड्री तो हो गई, कुछ कुछ लोग आए हुए यहाँ पर। माउंटेन दिखने शुरू हो गए हल्के हल्के से, जो संडे कल निकल चुका है, हमारा प्लान था यहाँ पर आने का और यहाँ पर आके ट्रैकिंग करने का, पर अभी हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया है, अभी हम अकेले अकेले आए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे छोटे गेड़ी मारने आए हैं। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक में अगर कुछ केसेस कम हुए तो हम यहाँ पर आएंगे, वरना कितना अच्छा लग रहा है सामने देखने में। अरे मैं 5th गियर में चला रहा था, भूल ही गया, कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं करती बुलेट, इसकी आवाज़ को देखते हो ना मेरे मन में एक बात आ रही थी, इसका जो एग्जॉस्ट है ना मतलब साइलेंसर है इसको चेंज कर दें, तो स्टॉक जो साथ में आया था ना इसके 2015 में उसी को लगा दें, वो कम आवाज़ भी करता है, उससे 2 रीज़न है इसको चेंज करने के। मतलब मैं सोचा है अभी, मैं बैठे देखो कितनी आवाज़ करती है, अब तो खुद देखो कितना साउंड कर रही है ये, ऐसा सोचा है कि इसका स्टॉक जो एग्जॉस्ट है वो लगा दिया जाए, जिससे मैं ऑफिस जाऊँ तो थोड़ा सा डिसेंट वाला फील आया, ऐसा नहीं कि डुक 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 कर रही है। और इसकी बातें इस पर बैठ के करेंगे, यहीं तक हम राइट से यहाँ से यू टर्न मारते हैं ऑफिस। हाँ तो हम ब्लेड की बात कर रहे थे कि इसका जो साइलेंसर है ना ये चेंज करने वाला है ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है, और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बिल्कुल लोग बाहर नहीं है, सब जन अपने घर के अंदर है, और हमें ना ऑफिस जाना होता है अल्टरनेट डेज के अंदर, 33% स्टाफ को ही बुलाना है। जैसे आज मेरा टर्न है और मेरा टर्न 2-3 दिन तक नहीं आएगा, फिर मेरा टर्न आएगा 4th डे के अंदर, तो मुझे वीक के अंदर 2 या 3 दिन जाना पड़ रहा ऑफिस, तो मैं 2-3 दिन तो ऑफिस चला गया और तब तक मैं कार लेकर गया था, क्योंकि शुरू पुलिस डंडे मार रहे थे, तो पुलिस और डंडे के चक्कर में ना डर के मारे कि यार रोकेंगे या ठोकेंगे, दोनों बातें मेरे मन में थी कि यार रोक के ठोकेंगे या ठोक के रोकेंगे, मतलब दोनों ही बातें, उन सबको देखते हुए मैंने कार पे जाना ठीक समझा। हमने जो आज राइड करी है ये सिर्फ इसका मतलब था, हम अपनी बैटरी, अपने बाइक के टायर्स, अपने बाइक का जो रखा हुआ फ्यूल है
वो ख़राब ना हो, क्योंकि पेट्रोल ना रख रखा भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको ऑफिस लेके जाने से पहले इसका साइलेंसर चेंज कर लें, स्टॉक एग्जॉस्ट था वो लगा लिया जाए। इसको हम लगाएंगे नेक्स्ट वॉक में, मतलब कल मेरा वर्किंग है, कल शाम को लगाऊंगा मैं या परसों लगाऊंगा, आपको नेक्स्ट वॉक में मिलेगा। तो देखना जरूर इसकी जो साउंड दोनों कंपेयर करेंगे कि अभी कैसे साउंड कर रही है और उस टाइम कैसे साउंड करेगी। मतलब उस टाइम ये मान लो इससे पूरी घूमी हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं रहेगी इसकी। और हम अगर अभी डुक 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 करेंगे तो थोड़ा सा बदतमीजी वाला फील आ रहा है, मुझे खुद को शर्म आ रही है। हम जब निकल रहे कॉलोनी से तो लग रहा था कि यार क्यों आवाज़ कर रही है इतनी ज़्यादा ये। और बहल रोड के ऊपर हमेशा ना इंटरसेप्टर मिलती मिलती है, वो बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है, ऐसा ना उसको इंटरसेप्टर मिल जाए और उसको रोक ले। कितना कम पोल्यूशन हो गया, कितनी विजिबिलिटी क्लियर हो गई है, कभी तो इस रोड पे सामने थोड़ी दूर तक या नेक्स्ट चौराहे दिखता रहता है कुछ भी। और अभी क्या हो रहा है कि इससे भी जो ये जो चौराहा है नेक्स्ट जो चौराहा है वो भी क्लियर दिख रहा है। तो सामने जो पहाड़ी है वो भी क्लियर दिख रही है, यानी कि ऊपर ट्यूलिप वाले जो फ्लैट्स हैं वो भी क्लियर दिख रहे हैं। इतनी विजिबिलिटी में भाई कभी नहीं हुई। जो सामने वाली पहाड़ी है ये दिखती है पर कम दिखती है। ये आगे 7 नंबर चौराहा, चाफड़ चार निकले थे, 500 आधे घंटे की राइड करी है हमने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, सोचते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ओके बाय।